ये चांगो का व्यू है और चांगो की मार्केट जहां हम रात को रुके थे, ये बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री का कुछ बना हुआ है। मैंने सोचा इसे कैप्चर करा जाए। ये सारा चांगो की मार्केट है, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है छोटा सा कस्बा चांगो। अच्छा, टीसी की सर्विस को सल्यूट है जो इन पहाड़ों में जिंदगी को आसान करते हैं। हाँ, फिर जाना हूं असि। समदो पहुंच चुके हैं, तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। दो रिवर यहाँ भी इकट्ठी हो रही हैं, कोई पता नहीं कौन सी है। इधर शायद स्पीति वाली रिवर होगी, ये कोई और रिवर है लोकल रिवर। तो समदो पहुंच गए हैं। ओ तेरी, क्या कैंची है देखो, वहां से घूम के आएंगे। छोड़ दिया है हमने क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करी हुई थी, और वो 10 किलोमीटर सीधा पहाड़ है और उससे आगे फिर मान के चलते कि ताबो पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 4 बज जाते और ना ब्रेकफास्ट होता ना लंच टाइम से, तो तबीयत ख़राब होने के चांस थे। इसलिए हमने गीयू मम्मी जहाँ पे है उसको स्किप कर दिया है और निकल पड़े हैं ताबो की तरफ। भाई लोगों बनने जा रहे हैं गर्मा गर्म परांठे, और भैया हैं गया से, देख लीजिए इनको। ये कौन सा स्टेशन है भैया, कौन सा? हुरलिंग।
पुरलिंग में परांठों का मजा लिया जाएगा। और ये अपनी साइकिल्स पार्क हो चुकी हैं। तो भाई लोग बैठे हुए हैं परांठों के इंतजार में, भूखे शेर की तरह बैठे हैं। रास्ते में इन्होंने वो देखा था, स्नो लेपर्ड, चीता। चलते हैं सेक्टर 13 चंडीगढ़। लाहौल स्पीति में काजा उपमंडल से करीबन 33 किलोमीटर दूर ये गांव, छोटा सा गांव बसा है जिसका नाम चंडीगढ़ है। बताया जाता है कि 80 के दशक में जब चीन सीमा पर विवाद बढ़ा तो स्पीति से सटे गांव कौरिक से कुछ ग्रामीणों को वहां से हटाना पड़ा। कहा जाता है कि इस गांव के 33 परिवारों को वादा किया गया कि उनको पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बसाया जाएगा, लेकिन किन्हीं वजहों से ये वादा पूरा ना हुआ और सेना ने फौरी तौर पे उनको कौरिक गांव से हटाकर सीमा के करीबन 60 किलोमीटर पीछे ज़मीन देकर शिफ्ट कर दिया गया और PWD के एक इंजीनियर ने इसका नाम चंडीगढ़ रख दिया। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इस गाँव का नाम चंडीगढ़ दर्ज किया गया और बाद में इस ग्रामीणों ने इस गाँव का नाम चंडीगढ़ सेक्टर 13 रखा, क्योंकि चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। लाहौल स्पीति में हाईवे से सटा ये गांव अब टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अपनी स्पीति ट्रिप में हमने इसको भी टच किया, तो आपके लिए एक छोटा सा वहां का व्यू और फोटो हम ला रहे हैं। थैंक यू। ऐसे ही नए नए रोचक तथ्यों के साथ आपको मिलेंगे अगले पड़ाव पे। तब तक फॉलो कीजिए हिमाचल साइकिलिंग क्लब। स्पीति के किले आ गए हैं। भाई है ना जो हमें मिला था वहां, गुड लक पठानिया। अबाउट 40 किलोमीटर दूर पर हैं अभी और रोड देख सकते हो किस कदर है। विलेज लरी, पॉपुलेशन 235 ओनली। तो नरी गांव से गुजर रहे हैं और धूप बढ़ती हुई अब सामने आप हिमालय का सुंदर नज़ारा देख रहे होंगे। ट्री में पहुंच चुके हैं और काफी पुरानी मॉनेस्ट्री है ये भी। ये पहुंच चुके हैं ताबो मिनिस्ट्री, बहुत ही पुरानी मिनिस्ट्री है ये और ऐसा कुछ इसका व्यू है। पापा, 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 पाप
पूरी ही ताबो मिनिस्ट्री है, सिक्स की बनी हुई है। ताबो ब्रिज पे आ गए हैं, कुछ रिपेयर का काम चला हुआ था, ट्रैफिक रोकी गई थी, लेकिन साइकिल वाले को और पैदलों के लिए अलाउ है, इसलिए हम निकल रहे हैं। लकीली हमारे पास साइकिल है, अदरवाइज हमें भी वेट करना पड़ता दो घंटे के लिए। पुल बंद है, कोई भी व्हीकल इसमें से क्रॉस नहीं कर सकता, बाइक गाड़ी। रिपेयर प्रगति पे वेल्डिंग हो रही है पुल में, जरूरी है क्योंकि ये पुल इस शहर की लाइफ लाइन है। झूले दोस्तों, हमें काजा पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और 5 बज गए थे, तो हमने एक छोटा सा गेस्ट हाउस काजा में ही बुक किया। और कल का जो सफ़र है वो होने वाला है और भी रोमांचक, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचे गांव कॉमिक और सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस सिक्किम की तरफ। तो चैनल पे यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और फॉलो कीजिएगा हिमाचल साइकिलिंग को। तब तक के लिए